So, yo, what's happening, guys? My name is Ishmeet and you are watching Legend Gamer. So, guys, आज मैं कोई गेम नहीं खेल रहा. आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे हम Minecraft 1.19 न्यू अपडेट में न्यू ये जो न्यू कंट्रोल्स ऐड होने वाले थे ऐड नहीं हुए, लेकिन ये कंट्रोल्स आप ऐड कर सकते हो एक ऐप की मदद से जिसका नाम है ये नहीं ये वाला क्विक एडिट टेक्स्ट एडिटर. आपको प्ले स्टोर में जाना है, क्विक एडिट टेक्स्ट एडिटर लिख लेना या कमेंट सेक्शन में मतलब पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले गाइस इस ऐप को खोल लेना और देखो मतलब पहले ऐसे नहीं होना. शुरू से पहले आपको चले जाना है इंटरनल स्टोरेज पे. इधर थ्री लाइन आ रही होंगी इंटरनल स्टोरेज आपके साइड में, वहाँ सामने ऐसे नहीं लिखा है. फिर यहाँ एंड्रॉयड डाटा और पहले ये कुछ परमिशंस मांगेगा अलाउ करने को, वो अलाउ कर लेना. और हाँ गाइस, अगर आपको ये सब चाहिए ना कि ऐसे माइनक्राफ्ट इधर ढूंढने, ये सब तभी आएगा जब आपके माइनक्राफ्ट का प्रोफाइल पे जाके उधर एक्सटर्नल होगा, एप्लीकेशन होगा, तो ये कभी नहीं हो पाएगा. एक्सटर्नल रखना उसे, फिर ये आएगा, वरना नहीं हो पाएगा ये. फिर अपना ये माइनक्राफ्ट com.mojang ढूंढ लेना यहाँ पे, माइनक्राफ्ट पे गेम्स com.mojang. फिर यहाँ पे माइनक्राफ्ट पे ढूंढना, यहाँ पे है मेरा. और फिर यहाँ चल जाना ऑप्शन टेक्स्ट, इसे क्लिक करना. फिर यहाँ पे आप ऐसे इस पेज खुल, आपका ये पेज खुल जाएगा. मेरा पहले खुला था क्योंकि मैंने करा है और खोल के बंद किया था. तो यहाँ पे 12th नंबर पे आपको ये दिख रहा होगा कंट्रोल अनेबल न्यू टच कंट्रोल स्कीम्स. तो आप पहले तो आपके ज़ीरो होगा, देखो पहले आपके ज़ीरो होगा, आपको इसे हटा के वन कर देना है बस. अब आपको इसे क्लियर कर देना है और आपके अब आपके माइनक्राफ्ट में आ चुका है न्यू टच कंट्रोल्स. बस आपको टच सेटिंग में जाना है, उधर आपको ऊपर मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं खेल रहा था इसे इसके साथ, न्यू टच कंट्रोल्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक मार्केट प्लेस नहीं, सेटिंग्स और यहाँ पे हाँ याद आया गाइस, ये बेंटन मोड देख रहे हो, अभी एक सीरीज आने वाली है बेंटन एडऑन वर्जन 6. इस मोड की एक सीरीज आने वाली है, तो बी रेडी गाइस. सर्वाइवल सीरीज में बेंटन. तो ये देखो यहाँ पे आपको ऊपर ये मिल जाएगा इंट्रैक्शन मॉडल, जैसे कि बीटा में दिखा था वैसे ही आ जाएगा. और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, पहले ही बता दूँ. और इस पहले ये आपके दिखेगा टच में, इसको क्रॉस हेयर कर देना, यह आपकी मर्जी है. आपको ब्लॉक्स मैं दिखा देता हूँ खेल के, थोड़ा मैं अभी इस वर्ल्ड में ये कर रहा था. टच पे रखोगे तो थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे आएगा. ये देखो पहले ये ऐसे होगा, ये टच पे ऐसे है, ये सब है ओनली क्राउच का, ये है. इससे मन बार बार क्राउच कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता था जब क्लासिक था वो. हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे. ऐसे हम जंप भी कर सकते हैं, बस ये तो टच पे ऐसे. लेकिन अगर हम इसको क्रॉस हेयर कर दें तब दिखाता हूँ कैसे, कितने बटन, सारे बटन काफ़ी आ जाते हैं. क्रॉस हेयर इतने सारे आते हैं. ये ब्लॉक्स को रखने वाला है, ये ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए और सबको मारने के लिए. इससे हम स्पैमिंग कर सकते हैं, मेरी स्पैमिंग आदत थी तो अब थोड़े मेरे लिए इजी हो गया. और इसको दबाने से हम स्प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे तो नॉर्मल भाग रहे हैं, इसे दबाओ तो स्प्रिंट होता है. अबे
मेरा ख्याल है ये मेरा एमएलजी वर्ल्ड था, लेकिन पता नहीं मैंने क्या हाल बना दिया। मैं इस एमएलजी वीडियो के लिए बना रहा था, मैंने इसमें ये वाले यूज़ करके क्या बना दिया इसे। अबे चलो फिर, अब अगर आपको फिर से वापस अपना ये नॉर्मल करना है टच, इसे क्लासिक कर लो। देखो वापस आपके बटन्स आ गए। ए फिर से नीचे गिरा दिया। एमएलजी करने को कह रहा है जरूर, सम्मान भी रखना है। वीडियो के लिए आपको स्पॉइलर दे दिया गाइस, दो स्पॉइलर वीडियो वाले। ओके तो यहाँ पे पता नहीं मैंने इतनी चेस्ट लगा दी थी ये यूज़ करने के। मैं मतलब स्पीड ब्रीचिंग कर लेता हूँ इसमें, मुझे उसमें सीखनी पड़ेगी स्पीड ब्रीचिंग। और गाइस न्यू बेडवर्स वीडियो भी आने वाली है कुछ दिनों में, और सॉरी फॉर लेट मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी वीडियो बनाने में, क्योंकि थोड़ा ये गाइस क्योंकि ना ये हॉलीडेज तो चल रही हैं, होमवर्क कुछ ज़्यादा ही दे दिया। हम रोबोट्स हैं क्या? और अगर स्कूल टीचर ने वीडियो देख ली ना, गया मैं। चलो गाइस ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।